नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विला में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, और जिनमें से मेन कौन से हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हम कॉमनली अल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी इथेनॉल का हम कंजम्पशन करते हैं ड्रिंक्स में, ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। और एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट भी है इथेनॉल। मेडिसिंस में इसका यूज होता है, कप सिरप्स में यूज होता है, कई सारी टॉनिक्स में इथेनॉल का यूज होता है। इथेनॉल वाटर में बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्युबल है, सभी प्रोपोर्शंस में सॉल्युबल होता है, और इसकी स्मॉल क्वांटिटी कंजम्पशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। डाइल्यूट इथेनॉल जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर एक नशा छा जाता है, ड्रंकननेस आ जाती है। कभी भी हम कंसंट्रेटेड अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते हैं, मुश्किल के 5-10% ही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अदरवाइज अल्कोहल बहुत ही फैटल साबित हो सकता है सेहत के लिए। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल बोले तो इथेनॉल, देखिए जब भी इथेनॉल रिएक्शन करता है सोडियम से, सोडियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव होता है। इससे रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। बबल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन आप आसानी से लैब में भी कर सकते हैं। लैब में आप जाइए, थोड़ा सा इथेनॉल लीजिए टेस्ट ट्यूब में, और उसमें एक सोडियम का पीस डाल दीजिए, आप देखिए बबल्स के साथ में हाइड्रोजन निकलेगी। जब आप टेस्ट ट्यूब के सामने जलती हुई एक कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड आएगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ओके। दूसरी रिएक्शन है, कभी भी जब इथेनॉल को हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई जाती है तो अनसैचुरेटेड इथीन बनता है, यहाँ आप देख सकते हैं, और वाटर प्रोड्यूस होता है। मतलब जो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब वाटर को किसी भी कंपाउंड से निकाल देता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इथेनॉल की। अब और कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम दूसरा इथेनोइक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं, डाइल्यूट विनेगर, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड को विनेगर कहते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3COOH, ये है इथेनोइक, मतलब इथेनोइक एसिड या फिर विनेगर का फॉर्मूला, ओके। देखिए इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली को बिलोंग करता है। 5-8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इट इज़ वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव, आप अचार बनाते हैं उसमें इसी का यूज करते हैं, ओके। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, हेंस इट इज ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, ये विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उस पर आ जाता है, 290 केल्विन, ओके। दिस गिव्स राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड, क्योंकि ये ठंडियों में एक ग्लेशियर बर्फ की तरह जम जाता है, जैसे नहीं आइस कैप्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके। सो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की। आगे की वीडियोस में कुछ और प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के कई सारे फायदे हैं, जैसे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी मैं लाइव सेशंस करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप आसानी से हमसे लाइव सेशंस में क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब तक बेल आइकन को आप नहीं क्लिक करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच।